वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। तो फ्रेंड्स, आप होप सो कि आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा राजस्थान जेई का, और जो भी हैं डिप्लोमा वाले या डिग्री होल्डर वाले वो सिविल या मैकेनिकल से हैं, तो उनको मैं आज के वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है और आपका सिलेबस क्या है। पूरा दोनों लोगों के लिए, डिग्री के लिए और आपका डिप्लोमा के लिए, दोनों का सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसको, कहाँ से इसको, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, ये भी चीज़ें बताऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल ईयर डिग्री वालों के लिए है। तो बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं कि आपका जो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, दोनों के जो पैटर्न जो होंगे एग्जाम के, जो मार्किंग स्कीम जो भी होंगे, वो भी चीज़ें सब सेम होंगे, ठीक है। तो ये है आपका, देखो दो भागों में इसको बांटा गया है। आपके टोटल जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये 120 मार्क्स के हैं, ठीक है, 120 अंक के होंगे आपके। उसके बाद आपका ये जो है 2 घंटे का है, ठीक है, कितने घंटे का है, 2 घंटे का पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा। इसमें से आपका जो पहला पार्ट है वो 40 मार्क्स का होगा, जो कि आपका क्या होगा, सम्मान ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल से आएगा, जो कि डिटेल आपको नीचे में दिया है। उसके बाद जो आपके जो भाग है यानी कि सेकंड पार्ट जो है वो आपका 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपके सिविल के, यानी कि अगर सिविल वाले हैं तो सिविल से पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल हैं इलेक्ट्रिकल के, और मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल के होंगे, जो कि आपके 80 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम पैटर्न हर एक में फॉलो होगा, चाहे वो डिग्री हो चाहे वो डिप्लोमा हो, समझ गए। अगर हम बात करते हैं, पहला पार्ट आपका जो आता है, जो कि बहुत ही क्रूशल है, ये सम्मान ज्ञान आता है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करते चलूँ, आप इसको सम्मान ज्ञान को इजी मत लेना, क्योंकि ये मैं प्रीवियस ईयर के अपने क्वेश्चन देखा हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ भी इजी इसमें नहीं पूछता है, क्यों नहीं जेई लेवल का हो, लेकिन जिस तरह के सम्मान ज्ञान के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं राजस्थान से रिलेटेड, वो बहुत ही टफ होते हैं। आप जानते हो तो आसानी से कर दोगे, नहीं जानते हो तो सही से गेस भी नहीं कर पाओगे, क्यों ना आप राजस्थान से ही बिलोंग करते हो। तो जो सिलेबस है आपका वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसके लिए मैं बाद में आगे चल के बुक भी बताऊंगा कौन सा बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति सहित परंपराएं एवं विरासत, इन सब चीज़ों से आएगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी आप डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कोई भी हो, तो आपको क्या करना है, राजस्थान का इतिहास के प्रमुख स्रोत को देखना है, ठीक है। आप क्या देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर प्रमुख प्रौद्योगिक सभ्यताएं, तीसरा आपका क्या है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियों, मुगल राजपूत, ठीक है, स्थापना कला प्रमुख प्रस्तुति, पांचवा नंबर आपका ये है, सिक्स में आपका किले के बारे में है, जानते हो आप राजस्थान में काफ़ी किले स्मारक हैं, सातवां में है आपका राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएँ, आठवां पॉइंट है आपका राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएँ, शैलियाँ एवं हस्तलिपि, ये क्वेश्चन जो है ना, आठवां पॉइंट आप टिक करके कर लो, इसमें से क्वेश्चन आपके आने ही आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद राजस्थान भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले त्यौहार, लोक संगीत, राजस्थानी संस्कृति भी पूछे जाएंगे आपसे, राजस्थान के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी हैं वो भी पूछे जाएंगे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति के बारे में पूछ सकता है, राजस्थान की रियासतें जो होती थी एवं ब्रिटिश संधियाँ आपके 1857 का जो जन आंदोलन था उसके बारे में भी आपको राजस्थान में क्या हुआ था उससे रिलेटेड भी आपको पढ़ने होंगे, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, आंदोलन भी बहुत तरह के आपको पता है कि राजस्थान में हुए हैं, उसको भी आपको पढ़ के जाना होगा, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, देखो तो लास्ट जो पॉइंट है वो राजनीतिक जन जागरण तो करना ही है, लेकिन महिलाओं के विशेष संदर्भ में, अगर आप महिलाओं के बारे में, राजस्थान की महिलाओं के बारे में पढ़ते हो तो आपका समझ लो कि काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आप कवर कर लोगे। अब आते हैं राजस्थान का भूगोल के हम लोग बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके देखो स्थिति एवं विस्तार, यहाँ पर भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश आपको पता है कि है ये, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ये सब चीज़ें जो सेकेंड फर्स्ट है ना, फर्स्ट खास करके सेकेंड, उसको आपको ज़्यादा ध्यान करना है क्योंकि यहाँ से आपके आएंगे। यहाँ पर अपवाह तंत्र, जलवायु, इससे भी क्वेश्चन आएंगे आपके, फोर्थ से कन्फर्म जो बता रहा हूँ वो कन्फर्म आने के चांसेस हैं। मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना होगा, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वन एवं जन जीवन के संरक्षण के बारे में, पर्यावरण एवं परिस्थितीय मुद्दे,
मरुस्थलीकरण ये आप राजस्थान में हो तो आपको इससे जरूर क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश में प्रमुख फसलें पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं, ये आपका जो 16 पॉइंट है। तो ये मेन मेन टॉपिक जो है आपको ये मार्क कर लो, इनसे अच्छे से इसको देख के जाना, आपसे चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछने का। तो ये दो भागों में बांटा है, यानी कि 40 अगर नंबर के हैं तो 20-20 मान के चलो, 20 से 20 आपका भूगोल से। तो ये आपका पार्ट एक के लिए हो गया जो कि 40 मार्क्स के हैं। अब पार्ट बी में जो आपके हैं डिग्री वाले, खास करके जो कि सिविल इंजीनियरिंग से हैं, उनके हैं जो सब्जेक्ट, मैं एक एक चीज़ तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये आप लोग डाउनलोड कर लेना, मैं बता दूंगा कहाँ से कर सकते हो, कहाँ से रख सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके सिलेबस होते हैं, एक दो सब्जेक्ट हर एक एग्जामों में चेंज होते हैं, या कुछ भी अगर सब्जेक्ट भी है तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हट जाते हैं, लेकिन सेम रहता है, ठीक है। बल्कि जैसे कि देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या किया है इन्होंने कि इसी में ही बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ही इन्होंने CPM में पार्ट को टेक्निक को भी डाल दिया है, ठीक है। तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको अलग से नहीं देखना, इसी में देख लेना आप लोग। यहाँ पे देख सकते हो कि वन में है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यहाँ पे हर एक चीज़ बताया गया है, टिम्बर, स्टील, ब्रिक्स, लाइम, सीमेंट, एग्रीगेट से तो हमेशा पढ़ते ही हो आप इसमें। यहाँ पर रोड मटेरियल्स के बारे में बताया गया है, यहाँ देख सकते हो रोड में आपका एग्रीगेट्स हो गया, स्क्रीनिंग बाइंडर्स मटेरियल, WMM ब्रिक्स जो हो गया उसके बारे में, कोर्स फाइन एग्रीगेट, बिटुमिनस रोड, IRC रिकमेंडेशन जितने भी होते हैं, IRC इंडिया रोड कांग्रेस, ये सब भी उसके बारे में, टार्स हो गए आपके, अस्फाल्ट हो गए, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं। यहाँ तक तो आपका ठीक है, लेकिन जो सेकेंड यहाँ से इन्होंने शुरू किया है, इसमें आपको ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा क्या क्या, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग नेटवर्क एनालिसिस, CPM एंड पार्ट, यानी कि CPM एंड पार्ट वाला जो पार्ट था उन्होंने इसमें डाल दिया है। तो आप अगर यहाँ पर बाहर में नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ लेना कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में इसको डाला गया है। फिर से है सेकेंड फ्लूड मैकेनिक्स था आपका, फ्लूड मैकेनिक्स में आपका है फ्लूड के बारे में पूरा डेफिनेशन, आइडियल फ्लूड, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स पढ़ना है, ये हाइड्रोस्टेटिक पढ़ना है, बायोन्सी के बारे में पढ़ना है, बायोन्सी से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो उसमें आप देखे होंगे, इक्विलिब्रियम ये भी है आपका, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, ये थोड़े से ज़्यादा डिटेल में इस बार इसमें दिया गया है, ठीक है, इसको देख लेना। जैसे कि बर्नौली इक्वेशन, ये सब चीज़ें आपके होती हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन और बर्नौली इक्वेशन से भी पूछा गया है, काफ़ी अच्छा सिलेबस इसमें कवर किए हैं उन लोगों ने। मोमेंटम इक्वेशन एंड एप्लीकेशन से भी पूछते हैं एग्जाम में, फ्लो थ्रू पाइप्स, ये देखो एक जो आता था आपका वो पूरा इसी में ऐड कर दिया है, जितने भी वाटर से रिलेटेड हैं यानी कि फ्लूड से रिलेटेड हैं, फ्लूड मैकेनिक्स में इन्होंने डाल दिया है। अब आपका सर्वेइंग में आता है, सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, सर्वेइंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, तीन सब्जेक्ट को इसी में मिला दिया है। तो सर्वेइंग तो हो ही गया यहाँ पे, इसमें आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जो भी आपको जियोडेटिक सर्वे जो शुरुआत में ही पढ़ते हो आप, मेथड्स ऑफ लोकेशन प्रिंसिपल और जो चैन वैन जो होते हैं, कन्वेंशनल साइन जो होते हैं, वो सब आपके पहले में इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे। मेजरमेंट में आपका क्या है, मेजरमेंट में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैन टेप्स, अच्छा मेजरमेंट में आपके इसमें आ जाएंगे चैन टेप्स, ठीक है, इसमें देख लेना आप लोग। मेजरमेंट एंगल, डायरेक्शन, ट्रेवलिंग, ये सब अभी सर्वेइंग के पार्ट्स हैं इसमें, प्लेन टेबल सर्वेइंग, कंटूरिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, फील्ड एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे अलग से डाले गए हैं लास्ट में, जिसमें आपको हो गया GIS एस्टिमेशन और वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रेट एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, सेंटर लाइन डायग्राम या बिल्डिंग लेआउट। फिर से उसके बाद इरीगेशन और वाटर से है आपका, यहाँ पे इरीगेशन और वाटर का आप लोग खुद से देख सकते हो, पूरा पॉज करके भी इसको देख सकते हो क्या क्या है वीडियो को। उसके बाद 5 पॉइंट पे है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सभी लोग पढ़ते हैं आपको पता है, तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे आपके, आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी देख सकते हो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इसके सब्जेक्ट के मुताबिक। स्ट्रक्चर एनालिसिस भी होंगे आपके छठा में, उसके बाद सॉइल के होंगे, सॉइल में आपके दोनों हो जाएंगे, सॉइल मैकेनिक्स हो जाएगा और फाउंडेशन भी हो जाएगा, जैसे कि आपको बहुत सारे के जो होते हैं खास करके ट्रैक्सियल टेस्ट वेस्ट जो वगैरह होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो गया आपका, लोड टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, फाउंडेशन वाले जो भी चीज़ें हैं वो आपको सॉइल मैकेनिक्स में ही साथ में रखा है, ठीक है। डिजाइन ऑफ RC कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, ये भी आपके, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ कर दिया है इन्होंने, ठीक है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में स्टील डिजाइन आपका हो गया, पूरा स्टील डिजाइन नहीं है लेकिन यहाँ पर स्टील डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स, बीम्स, रूफ, ट्रस प्लेट्स और ग्रीडर्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो बेसिकली ये अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर थ्योरी भी करके जाओगे तो आपके अच्छे खासे बन जाएंगे, यहाँ पे थ्योरी ही केवल पूछेंगे एग्जाम में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसमें आपके हैं स्टोन एंड ब्रिक्स मशीनरी, लिंटेन्स, रूफिंग, फ्लोरिंग,
प्लास्टरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग। और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है जो कि और सारे एग्जाम में नहीं होते हैं, वो है ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसको भी थोड़ा आप लोग देख लेना, एक दो क्वेश्चन आपके मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ये हैं सिविल के। उसी प्रकार अगर पैटर्न करते हैं डिप्लोमा वाले का भी, तो उन्हीं प्रकार का है। 40 नंबर का आपका ये पहला पार्ट होगा जो कि आपके राजस्थान का होगा, और सिविल डिप्लोमा का होगा 80 मार्क्स का, जो कि दो घंटे के पेपर होंगे 120 मार्क्स के लिए। और सिलेबस भी सेम है, लगभग पूरा का पूरा सिलेबस सेम है 17 पॉइंट के साथ, एप्स में भी और आपके राजस्थान के भूगोल भी पूरा का पूरा सेम है। यहाँ भी आपके इसमें जो किए गए हैं, थोड़ा सा यहाँ से आपको क्या किया है कि जो इसमें CPM पार्ट था उन्होंने यहाँ पे निकाल लिया है डिप्लोमा वालों से। यहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेज, ये सब भी पढ़ने हैं। सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसमें आपका है। इसमें देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन जो भी थे वहाँ से हटा दिया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है पार्ट। रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिजाइन से भी थोड़े से चीज़ों को निकाल लिया गया है। इरीगेशन में सेम के सेम, ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद सॉइल इंजीनियरिंग में भी आपका सेम है। सॉइल इंजीनियरिंग फाउंडेशन देखो, पेनिट्रेशन टेस्ट तक इन्होंने इसमें भी दिया है। टरेक्सियल वेंटर शेयर टेस्ट सभी यहाँ पे कंफर्म है। तो सॉइल इंजीनियरिंग हो गया, और यहाँ पर फाउंडेशन भी जो पढ़े नहीं है उनको भी साथ में इसमें रखा गया है। और इसमें ऑटो कैट का बात है तो ऑटो कैट भी आपका इसी में है, ठीक है। तो ऑटो कैट का भी बारे में आप देख सकते हैं, आपको यहीं से ही मिल जाएगा। तो सभी चीज़ों में ऑटो कैट है। कुछ कुछ चीज़ें देखो वहाँ पर 11 पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर 7 पॉइंट में इन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका यांत्रिक की बात करते हैं, मैकेनिकल के लिए, तो उनका भी कुछ इसी प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पे केवल जो अपना है मैकेनिकल का जाएगा, और जो उनका पैटर्न जो होगा वो अ भाग में उनका टोटल यही होगा। उसके बाद सिलेबस जो होंगे आपके कुछ इसी प्रकार से, 17 पॉइंट आपके राजस्थान से बिलोंग करके पूछेंगे, और राजस्थान का भूगोल भी आपका कुछ इसी प्रकार से पूछा जाएगा। मैकेनिकल के जो भी सिलेबस होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स होता है सबसे पहले मेन सब्जेक्ट, फ्लूइड मशीन भी होता है एक। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन, डिजाइन ऑफ मशीन कंपाउंड्स, और उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स मशीन्स, इनर्शिया फोर्स एनालिसिस, गियर्स, इस तरह से गियर्स वेयर्स वगैरह आपके जो भी पार्ट हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फिर से गियर ट्रेंस के बारे में, बैलेंसिंग के बारे में ये भी है। पांचवा में जो आपका है सिलेबस वो है टर्बो मशीन का, जो कि बेसिक कंसेप्ट है टर्बो मशीन का। मैकेनिकल वाले भी इस चीज़ों को डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को, तो उनके पास भी चला जाएगा। मैं अभी लास्ट में बता देता हूँ कि कहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एयर फैंस यहाँ पर सीधे सीधे आपको जो कि है, लेकिन यहाँ पर छोटा करके दिया गया है आपका, अलग से इसको निकाल के दिया गया है कंप्रेसर का। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एंड फैंस, फैंस के बारे में भी अलग से दिया है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, अच्छा इन्होंने अलग एक सब्जेक्ट जैसे टर्बो मशीन है उसको अलग अलग मेन मेन पॉइंट को अलग कर दिया है। गैस पावर साइकिल, थर्मोडाइनेमिक साइकिल्स और गैस टर्बाइन को भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। फिर ऑटो कैड में यहाँ पर जैसे कि देखो सिविल वाले में नहीं बताए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल वालों में एक चीज़ कन्फर्म कर दिया गया है कि ऑटो कैड मैकेनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या है यहाँ पे। तो रिव्यू इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऑटो कैट का जब एग्जाम आने वाला होगा तो ऑटो कैट के बारे में जो भी क्वेश्चन इससे बिलोंग करते हैं मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, चाहे वो सिविल के हो चाहे वो मैकेनिकल के हो, ठीक है। थर्मोडाइनेमिक्स जो कि मेन पार्ट्स है इनका, फर्स्ट लॉ आपका हो गया प्रॉपर्टीज हो गया, सेकेंड लॉ थर्मोडाइनेमिक्स हो गया आपका, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर IC इंजन, बहुत तरह के आपको ऑटो साइकिल सब वगैरह होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एग्जामों में देखने को मिल जाता है ये। फिर से उसके बाद है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मैं वन लाइनर भी बना चुका हूँ, तो वन लाइनर आप वहाँ से अगर खोल सकते हो इंडिया बट से तो वहाँ से मिल जाएंगे, जैसे कि कन्वेक्शन आपका जो मेन चीज़ है। उसके बाद हीट ट्रांसफर फ्रॉम स्टैंडर्ड सरफेस, कंडक्शन, इंट्रोडक्शन आपको बताया गया इसके बारे में, नेचुरल कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर विथ चेंज ऑफ फेज, हीट एक्सचेंजर। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में भी पता होगा, स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेशनशिप जो भी चीज़ें आती हैं, हुक्स लॉ, पोइजन रेशियो, इलास्टिक कंस्टेंट, ये सब चीज़ें इसको 9 पॉइंट यानी कि मशीन ऑफ सॉलिड्स में आते हैं। उसके बाद मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लेक्चरल लोड्स हो गया आपका, प्रिंसिपल प्लेन्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपके होते हैं इसी आप में आते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में आपको आते हैं। थ्योरी ऑफ फेलियर आते हैं जो कि सिविल के लिए भी स्टूडेंट पढ़ते हैं और मैकेनिकल के लिए पढ़ते हैं। टॉर्सन आपको दोनों लोगों को पढ़ना, यानी कि पूरा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम टू सेम दोनों लोगों को पढ़ना होता है। यहाँ पे उन्होंने 10वां पॉइंट जो है यहाँ पे मशीन ड्राइंग को दिया है, जो कि यहाँ पे मशीन ड्राइंग में क्या है क्या नहीं है इन्होंने बताया नहीं है, केवल पॉइंट लिख दिया है, ठीक है। अब वही डिप्लोमा लेवल की बात करते हैं, तो सेम उनका भी पैटर्न है, 80 मार्क्स का आपका टेक्निकल और 40 नंबर का वो हो जाएगा आपका ननटेक।
क्योंकि राजस्थान पे पूरे बेस्ट होंगे, 2 आवर्स के होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे आपके, 120 अंक के होंगे, और आपका राजस्थान से वही सेम सिलेबस है, 17 पॉइंट का आपका जो होता है सबसे पहले सभ्यता और इतिहास, उसके बाद आपका सेकेंड जो पार्ट होता है उसको भूगोल होता है, यानी कि 2020 का आप इसमें समझ सकते हैं 40 मार्क्स में से। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो डिप्लोमा का थोड़ा सा सिलेबस को इन्होंने कम कर दिया है, जैसे कि अगर हम फ्लूड मशीन में देखते हैं तो यहाँ पे भी कम किया गया है, प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन फ्लूड, उसके बाद फ्लूड स्टेट मेजरमेंट, फ्लूड प्रेशर, फ्लूड किनेमेटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, प्रेशर हेड, इम्पैक्ट एंड फ्री जेट फ्लोइंग थ्रू पाइप्स एंड ओरिफिक। उसके बाद आपको फ्लूड मशीन में भी काफ़ी कम कर दिए गए हैं, केवल हाइड्रोलिक टर्बाइन के क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल पढ़ने हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल और परफॉर्मेंस पढ़ने हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के टाइप्स, मेन कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल पढ़ने हैं, मिसलिनियस हाइड्रोलिक मशीन के हाइड्रोलिक एकोमुलेटर, हाइड्रोलिक इंटीफ्रेसर और हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ने हैं, कपलिंग पढ़ने हैं, टॉर्क कन्वर्टर पढ़ने हैं, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा से सिलेबस हैं काम भर, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंबशन में काफ़ी सारे चीज़ें हैं आपके इसी में आ जाते हैं, स्ट्रोक, डेड सेंटर, क्रैंक थ्रोन, आपके जो होते हैं क्लियरेंस जो होता है, थियोरेटिकल एंड एक्चुअल फ्रिंगिंग ऑर्डर जो होता है, आईसी इंजन जो होता है, सुपर चार्जेज ऑफ आईसी इंजन, ये सब चीज़ें आपके प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन में आते हैं, पेट्रोल इंजन जो भी होता है, डीजल इंजन होता है, कूलिंग लुब्रिकेंट एंड गवर्निंग होता है, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें इसी में आते हैं, ठीक है। गैस टर्बाइन हो गया आपके, एयर कंप्रेसर हो गया आपका, फिर अब बात करते हैं फोर्थ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि सिविल के लिए थे और मैकेनिकल के लिए थे, उसी प्रकार इसमें भी सेम टू सेम लगभग चलेगा डिप्लोमा वाले के लिए भी मैकेनिकल में। डिफ्लेक्शन होंगे, कॉलम स्ट्रट्स हो जाएंगे, टॉर्सन शाफ्ट हो जाएंगे, स्प्रिंग थिन सिलेंडर, कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। थ्योरी ऑफ मशीन में भी आपको उसी प्रकार से चलेगा इसमें, जैसे कि आपका मैकेनिकल का जो डिग्री लेवल के थे, सिंपल मशीन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डायनेमिक रिसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, फ्रिक्शन होगा, ट्रांसमिशन ऑफ पावर होगा, बैलेंसिंग होगा, वाइब्रेटर होगा, वाइब्रेशन होगा, ब्रेकर्स एंड डायनोमीटर होगा। उसके बाद ऑटो कैट में भी यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को सही तरीके से दिया है, तो जो सिविल वाले हैं अगर नहीं देखे होंगे ऑटो कैट, अगर उनमें होगा चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, तो मैकेनिकल से देख के अपनी तैयारी को इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि मशीन सिंबल्स एंड टॉलरेंस हो गया इसमें, ये मैकेनिकल के लिए है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको क्या क्या है उसी के अकॉर्डिंग आप कम कर सकते हो, लेकिन मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा आई थिंक। उसके बाद आपका है थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट हो गया है गैस लॉज के बारे में, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, अवेबिलिटी, फॉर्मेशन, स्टीम एंड प्रॉपर्टीज, स्टीम जनरेटर, बॉयलर, परफॉर्मेंस, गैस पावर साइकिल, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और जो लास्ट है आपका ये मशीन ड्रॉइंग है, तो इन सब चीज़ों को नहीं दिया है लास्ट पॉइंट में, इन्होंने छोड़ दिया है केवल लास्ट पॉइंट को। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस सबको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, तो डाउनलोड करने के लिए सबको पहले आपको indiabot.com पर लिंक करना होगा, यानी कि ओपन करना होगा आपका वेबसाइट को। वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करोगे वहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे मेन पेज पे रहोगे आप, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है कि एग्जाम में जाना है, एग्जाम में जाकर यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। लेटेस्ट एग्जाम पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, एग्जाम पे क्लिक करके खुल जाएगा आपका बहुत सारा एग्जाम का नोटिफिकेशन, उसमें राजस्थान JEE वैकेंसी आपको दिखेगा, यहाँ पे सिलेबस फॉर CEME and EE देखेगा आपको, उसमें आपको इस तरह से लोगो भी दिखेंगे। उसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे 3 नोटिस देख सकते हो, एक शॉर्ट नोटिस है, एक फुल एडवर्टीजमेंट है, एक सिलेबस है। कुछ नहीं मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ों को डाला है, आपको सीधे यहाँ पे जाना है, सीधे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होकर आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने पास रख लेना और एग्जाम में इससे प्रिपरेशन करते रहना, आपके पास एक PDF भी हो जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर कर दें सभी जगह, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, लिंक काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और इसका भी लिंक आपको मैं, सबसे पहला लिंक जो होगा वो इसका होगा, मैं दे दूंगा डायरेक्ट, आप इस पर खोल के आप देख सकते हो। तो थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।